जोर से आ रहा है, लेकिन उसको रोक के मैं अगला सवाल पूछ लेती हूँ। कितने लोग हैं जो डाइट जानना चाहते हैं बाबा रामदेव का? मतलब कोई है जो नहीं जानना चाहता है? सब जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आने के साथ यही बात हो रही थी कि आखिर हमेशा ऐसे कैसे। मैं सुबह उठ करके गर्म पानी पीता हूँ एक गिलास, क्योंकि उसके बाद मुझे करीब 3 घंटे का योग का सेशन करना होता है 5 से 8 बजे। तो मैं रोज अंजना गर्म पानी में आंवला और एलोवेरा का जूस पीता हूँ। उसका एक तो ये फायदा है कि करीब 50 के आसपास पहुंचते, मैंने सुना है लोगों के 50% बाल सफेद हो जाते हैं और 50% बाल ही झड़ जाते हैं। बहुतों की तो खेती उजड़ गई है यहाँ छोटी उम्र में भी। और उसके बाद मैं नाश्ते में खाली मुनक्का अंजीर और 5-7 बादाम 2-3 अखरोट इनको भिगो करके खाता हूँ। थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब अंकुरित अन्न लेता हूँ, ये मेरा नाश्ता हो गया। 18 साल तो मैंने अनाज ही नहीं खाया था, अभी थोड़ा बहुत लेना शुरू किया। फिर दोपहर को शाक सब्जियां, 1 कटोरी दही, रात को थोड़े फल और 1 गिलास दूध। बस ऐसे 3 बार मैं थोड़ा थोड़ा खाता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, कभी भी लोअर कॉन्शियस में नहीं रहता, हमेशा हायर कॉन्शियस में रहता हूँ कि बड़ा सोचो, कभी भी निराशा की हताशा की बातें नहीं सोच रहा। और फिर 1 मिनट के लिए भी ऐसे अकर्मण्य होकर के इनएक्शन में नहीं रहना, इनएक्शन रिएक्शन एंड रोंग एक्शन ये बड़े खतरनाक है। तो हमेशा पॉजिटिव एंड क्रिएटिव लगे रहो, काम में लगे रहो, आपको इतनी खुशी मिलेगी। मैं कभी टीवी नहीं देखता, कभी कभी एक आधी बार कोई न्यूज चैनलों पे आप लोगों को कभी कभी देख लेता हूं। थोड़ा बहुत न्यूज चैनल, वो भी एवरेज 15 मिनट दिन में। फिर मैं कभी कोई पिक्चर नहीं देखता, आज तक मैंने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी हो, और माने कभी नाराज नहीं होता। बातचीत करते हैं तो कभी कभी मैं जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात मैं करता हूं कि भाई देखो बातचीत में कोई बात अग्रेसिव नहीं कर रहा है तो उसको वैसे उत्तर दो। अब जैसे नवाज शरीफ ने बोला कि बोले जाए हम कश्मीर लेकर के रहेंगे, मैंने कहा मोदी जी हमारे बच्चे कब तक अपने हिंदुस्तान के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर को ऐसे देखते रहेंगे? हिंदुस्तान का जो हमें नक्शा दिखाया जाता है पढ़ाया जाता है वो नक्शा है नहीं। मैंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर पर भी आक्रमण करो आतंकवादियों के कैंप पर और उसको भी भारत में सम्मिलित कर लो, तब आप एक पराक्रमी प्रधानमंत्री कहलाएंगे। हौसले में रहने से आदमी को खुश रहना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। गौरक्षा पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी, उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। आपने भी बड़े तक आपने अनाज नहीं खाया, अब बचपन से विज्ञान में बैलेंस डाइट सिखाया था क्या क्या खाना चाहिए? बचपन से सिखाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इतना, इतना प्रोटीन, इतने वेजिटेबल्स, इतने फ्रूट्स ये खाने चाहिए बैलेंस डाइट के लिए। अब आप यहाँ तो माँ यही बात पे खुश होती है कि बेटे ने आज 1 नहीं 2 रोटी मेरी बेटी ने खा ली, तो वो कैसे होगा? देखो आपका वरना खाना खा के कैसे रह पाएंगे? देखो वैसे देखो सबको ये सुलभ नहीं होता है। फ्रूट यदि आपको कई प्रकार के मिल जाएं अलग अलग मौसम में तो उसमें सारी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और दूध मिल जाए आपको, दही मिल जाए, तो मैंने दूध फल दही आदि का सेवन किया। हमारे यहाँ तो बहुत से एक संत हैं अभी भी बहादुरगढ़ में यही रहते हैं और वो पिछले 40 सालों से खाली दूध पीते हैं, तभी उनकी सेहत बहुत अच्छी है। दूध तो अपने आप में एक पूर्ण आहार है ना, तो शाक सब्जियां फल दूध आदि खाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अनाज के नाम पर तो लोग क्या खाते हैं, गेहूं कहीं चावल। मैं तो कहता हूं अनाज में भी यदि आप अनाज खाते हैं तो क्या खाएं आप? अनाज एक जैसा नहीं, कभी गेहूं कभी बाजरा कभी मकई कभी ज्वार कभी रागी कभी चौलाई कभी सिंघाड़ा कभी चना कभी जौ, अलग अलग प्रकार के अनाज खाने चाहिए, माने मल्टीग्रेन आटा हमको लेना चाहिए। फिर सब्जियां भी अलग अलग तरह की खानी चाहिए, तेल भी एक जैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलग अलग तरह के तेल। लोग तो नॉन वेजिटेरियन भी खाना खाते हैं, अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो रेड मीट है वो कैंसर को इंक्रीज करता है। रेड मीट हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, पोल्यूशन, अल्कोहल, ये सारी चीजें तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। तो हमको मनुष्य की जो आकृति है वो शाकाहारी की है, हमारी आंतें 32 फीट की हैं, मांसाहारियों की 16 फीट की होती हैं। लेकिन फिश के लिए कहते हैं कि फिश बहुत हेल्दी है और उसमें जो गुड फैटी एसिड मिलता है। ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, पतंजलि जैसी पतंजलि की सात्विक इंडस्ट्री है,
वो अहिंसा की इंडस्ट्री है, उसमें वायलेंस नहीं है, उसमें जो है नॉन वायलेंस है, उसमें प्योरिटी है, उसमें वो पायस है। देखो कुछ लोगों को मैंने कहा अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है, वाइन वालों की अलग इंडस्ट्री है, बाकी जितना भी मांस है, एक किलो मांस पैदा करने के लिए कम से कम 100 किलो अनाज का प्रयोग करना पड़ता है। माने जितने भी हम जीवों को खाते हैं ज्यादातर वो शाकाहारी होते हैं, चाहे वो गाय को खाएं, बकरे को खाएं, मुर्गी को खाएं, उनको खिलाने के लिए हमें 1 किलो मांस पाने के लिए 100 किलो करीब अनाज और उसके लिए कितना पानी सब वेस्ट करना पड़ता है। जो है हम इस धरती को यदि पर्यावरण के खतरों से बचाना चाहते हैं, इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं और तमाम तरह के ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहते हैं तो सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन ज्यादा श्रेष्ठ है बनस्पत मांसाहारी भोजन।